हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने थ्योरम्स वाली सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम लोग ज्योमेट्री के सारे थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस। यानी कि इसका मतलब क्या कि जो भी थ्योरम्स हमको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं वो थ्योरम्स हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ओके, और अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों चैप्टर्स के सारे थ्योरम्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी थ्योरम्स वाले सीरीज की, तो जाके जरूर चेक करना। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है सर्कल, इसमें भी हमने 4 थ्योरम्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सर्कल लेसन के थ्योरम। ओके, तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है थ्योरम नंबर 5, क्योंकि 4 थ्योरम्स तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ये होगा हमारा थ्योरम नंबर 5, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6। तो थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6 का कोई नाम नहीं है, बस इनका एक स्टेटमेंट है और हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। और ये दोनों थ्योरम्स जो है वो आपको टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वहां, तो जो पेज नंबर 61 है वहां पे आपको ये दोनों थ्योरम्स मिल जाएंगे जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6। ओके, और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा सर्कल लेसन के ऊपर, यानी कि सर्कल के थ्योरम्स के ऊपर, उसमें हम लोग इंस्क्राइब एंगल थ्योरम एंड जो कोरोलरीज है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम्स के वो करने वाले हैं। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ 2 थ्योरम्स करने वाले हैं। ये दोनों थ्योरम्स एक दूसरे के कन्वर्स है और बहुत ही इजी थ्योरम है। बस ये थ्योरम्स के रिलेटेड आपको मतलब कि क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, और यहाँ पे देखो, इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के ऊपर होगा, और मुझे बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम कराओ दीदी। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलना, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम को मैं बहुत ही स्मूथली और अच्छे से आपको समझाऊंगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में इंस्क्राइब एंगल थ्योरम भी करा दूं, लेकिन एक्चुअली मैंने सोचा कि एक अलग ही वीडियो होना चाहिए इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरम बहुत एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मुझे लगा कि उसको एक सेपरेट वीडियो में ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब सेपरेट वीडियो में ही मैं उसको क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो आज का वीडियो तो बहुत ईजी होने वाला है। तो क्या दिया है देखो, थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज करो कि एक सर्कल है और उस सर्कल में हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स है। ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स है। तो उस कॉन्ग्रेंट आर्क्स के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है विद सेंटर बी। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 आर्क नजर आ रहे होंगे, दैट इज आर्क एपीसी एंड आर्क डीक्यूई। तो अगर सपोज करो कि ये जो सर्कल है इसके ये जो दोनों आर्क्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों आर्क्स के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो आर्क है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड एसी है ना, और ये जो हमारा आर्क है इसकी करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड डीई। तो यानी कि ये जो कॉर्ड एसी है और ये जो कॉर्ड डीई है ये दोनों भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ऐसा हमारा थ्योरम नंबर 5 हमको बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी थ्योरम है, बरोबर। गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर बी। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन अ सर्कल विथ सेंटर बी। हमारे पास गिवन में क्या है कि ये दोनों जो आर्क्स है ना वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन अ सर्कल विथ सेंटर बी वी हैव, ये जो आर्क है, आर्क एपीसी, आर्क ए पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क डी क्यू ई। ओके, ये हमारे पास गिवन में है, और हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों आर्क्स के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आर्क ए पी सी है इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड है वो है कॉर्ड ए सी, और ये जो हमारा आर्क है आर्क डी क्यू ई इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड है दैट इज कॉर्ड डी ई। तो ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये हमको प्रूव करना है। समझ में आया आपको थ्योरम, बहुत ही इजी थ्योरम है। देखो यहाँ पे ये जो फिगर है ना, सपोज करो कि ये जो थ्योरम है वो आपको एग्जाम में आ गया,
तो आपको फिगर वगैरह सब खुद से बनाना रहता है, ठीक है। तो अगर आपको फिगर बनाना नहीं आता है तो मैं सिखा देती हूँ, मतलब कि बता देती हूँ कि कैसे बनाओगे आप। कुछ मत करना, बस एक सर्कल बना देना और वहां पे क्या करना, आप दो कॉर्ड बना देना, ठीक है, कहीं पे भी बना सकते हो आप। तो हम एक यहाँ पे कॉर्ड बना देते हैं और एक कॉर्ड हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा सर्कल का सेंटर। उसके बाद क्या करेंगे, इस आर्क को हम लोग कोई नाम दे देंगे, है ना, ऐसे दे देंगे ए और पी और यहाँ पे क्यू, और इस आर्क को भी हम लोग कोई नाम दे देंगे, दैट इज यहाँ पे डी सॉरी यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए पी और सी, ठीक है। आपके मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही नाम देना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ओके। तो ये आर्क को हमने नाम दे दिया एपीसी और ये आर्क को हम लोग नाम दे देते हैं डी क्यू ई, ओके। तो ये देखो, ये हमारा फिगर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आर्क्स बन गए हैं, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग गिवन में लिखेंगे कि ये जो सर्कल है विद सेंटर बी, यहाँ पे ये दोनों जो आर्क्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और हमको प्रूव करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे, दैट इज ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड्स भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में जो सेगमेंट दिख रहे हैं वो सब कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट है, ओके। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि जॉइन ए बी, यानी कि हम बोलेंगे जॉइन बोल सकते हैं या ड्रॉ भी बोल सकते हो, ड्रॉ सेगमेंट ए बी, ड्रॉ सेगमेंट सी बी, ड्रॉ सेगमेंट डी बी एंड ड्रॉ सेगमेंट ई बी, ओके। तो ये सब ब्लू कलर में आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे और सी बी को ज्वाइन करेंगे, फिर डी बी को ज्वाइन करेंगे और ई बी को ज्वाइन करेंगे। तो देखो यही फिगर मिला ना सेम, ओके। तो ये सब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट ए बी बोल सकते हो या बी ए बी बोल सकते हो, ठीक है, तो ड्रॉ सेगमेंट ए बी। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ सेगमेंट सी बी, देन हमने ड्रॉ किया सेगमेंट डी बी, एंड फाइनली हमने क्या ड्रॉ किया, एंड ड्रॉ सेगमेंट ई बी, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आई थिंक गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और फिगर को भी आप कैसे बनाओगे वो मैंने आपको लाइव, मतलब कि आपके सामने आपको ड्रॉ करके बता दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो अभी प्रूव करना है, प्रूव बहुत ही इजी है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आया होगा कि दो ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं, है ना, ये देखो ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, तो हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, ओके। बस सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो गिवन में हमारे पास क्या है कि ये जो आर्क ए पी सी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसको, आर्क डी क्यू ई को, ये हमारे पास गिवन में है, बरोबर। एंड वी नो दैट कि देखो दो आर्क्स अगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उनका मेजर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि वी कैन से मेजर ऑफ द आर्क ए पी सी इज इक्वल टू व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क डी क्यू ई, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, हमने किया था ना एक कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स पेज नंबर 60 में, देखो आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वहां पे हमने क्या स्टडी किया था कि दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका मेजर और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है ना, जिस भी आर्क का मेजर और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो आर्क को हम क्या बोलते हैं, दैट टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे बोला है कि ये दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका मेजर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ द आर्क एपीसी इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क बी क्यू ई, ये इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, मेजर ऑफ द आर्क ए पी सी जो होगा, यानी कि मेजर ऑफ द आर्क ए पी सी जो होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। वैसे ही जो हमारा मेजर ऑफ द आर्क डी क्यू ई होगा, मेजर ऑफ द आर्क डी क्यू ई जो होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल बी बी ई, ओके, बी बी ई। और ये हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर टू दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देती हूँ, और ये दोनों का जो रीजन आएगा वो आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ
मेजर ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो हमारा माइनर आर्क होता है, ये देखो ये माइनर आर्क है बरोबर, ये देखो ये जो माइनर आर्क होता है इसका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, है ना, आपको पता होगा। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ, ये देखो ये हमारा क्या है, माइनर आर्क है, और जो माइनर आर्क का मेजर होता है दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि ये आपका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए बी सी। वैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है, और ये जो माइनर आर्क का मेजर होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा सेंट्रल एंगल है, ये है ना, तो यानी कि इस आर्क का मेजर और ये सेंट्रल एंगल का जो मेजर होगा वो इक्वल होगा, और इस आर्क का मेजर और इसके करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल एंगल होगा उसका मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है उसको हम लोग बोलते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये क्या है, डेफिनेशन है किसका, मेजर ऑफ माइनर आर्क का। जो माइनर आर्क का मेजर होता है दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमको क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो आर्क है उसका मेजर इक्वल है, ओके? तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखो, अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है बरोबर, क्योंकि देखो इनका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस ये दोनों का जो राइट हैंड साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी बी ई। तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी बी ई, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये समझ में आया ना, देखो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को अगर आप लोग साथ में लोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो मेजर्स है वो इक्वल है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल क्यों है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो यानी कि यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको ये मिल गया कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, या वी कैन ऑल्सो से कॉन्ग्रेंट है। तो इतना समझ में आया, ओके। अब मैं ये रफ कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का करेंगे। तो अभी देखो, अभी हमको नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं और इनको हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नाउ फाइनली हम लोग बोलेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, एंड ट्राइंगल डी बी ई, ओके डी बी ई। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का ये वाला सेगमेंट और इस ट्राइंगल का ये वाला सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट है। देखो ये जो ट्राइंगल है इसका ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेगमेंट ए बी इस कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इस कॉन्ग्रेंट टू व्हाट सेगमेंट डी बी, है ना। दोनों क्या है, देखो रेडियस है सेम सर्कल के, और वैसे ही आप अगर आप लोग देखोगे इस ट्राइंगल का ये वाला सेगमेंट और इस ट्राइंगल का ये वाला सेगमेंट भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल अगेन। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट सी बी विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट ई बी, और दोनों का जो रीजन होगा वो सेम होगा, दैट इज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ओके। तो यानी कि यहाँ पे हमने ये बता दिया, अभी फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसका ये वाला एंगल दैट इज कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल डी बी ई, है ना, डी बी ई। और ये कहां से आया, तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उसके लिए 3 कॉन्ग्रेंसी चाहिए। कितनी कॉन्ग्रेंसी चाहिए, 3 कॉन्ग्रेंसी चाहिए। तो हमारे पास 2 कॉन्ग्रेंसी तो ऑलरेडी थे, लेकिन ये जो थर्ड कॉन्ग्रेंसी था ना वो हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमने ये थर्ड कॉन्ग्रेंसी के लिए हम लोग ने ये सब स्टेप्स किए। समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ना इसको लाने के लिए हमने ये सारा कुछ किया है, ताकि इसको हम यहाँ पे यूज कर सके ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है
दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट ट्राइंगल डी बी ई. अब कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है और दो साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है. इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बाय विच टेस्ट? यस, वेरी गुड, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. वी कैन से कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. और उसी रिमेनिंग पार्ट्स में हमको क्या मिलेगा कि इस ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है और इस ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. यानी कि वी कैन से कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड डी. हो गया प्रूफ. यानी कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट ए सी है इस ट्राइंगल का, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट डी ई, है ना. और रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. रीजन इज वेरी मस्ट एंड इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अभी हम बोल दिया कि ये जो सेगमेंट ए सी है और ये जो सेगमेंट डी ई है वो कॉन्ग्रेंट है. अब हम ये सेगमेंट को हटा के यहाँ पे कॉर्ड भी लिख सकते हैं. दैट इज हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड ए सी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, कॉर्ड डी ई. और यही देखो, यही हमको प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी थ्योरम है. यहाँ पे देखो, प्रूफ में हम लोग ने क्या बोला कि सबसे पहले तो गिवन क्या था कि ये दोनों जो आर्क्स है वो कॉन्ग्रेंट है. अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट होते हैं इसका मतलब उनका मेजर क्या होता है, इक्वल होता है. तो वही हमने लिख दिया, मेजर ऑफ द आर्क एपीसी इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क बीक्यूई. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. और फिर अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डेफिनेशन है मेजर ऑफ माइनर आर्क का वो यूज किया. वी नो दैट, देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज करो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा एंगल है. यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल. क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, है ना. और यहाँ पे देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क. क्या बोलते हैं, माइनर आर्क. तो यहाँ पे देखो हमने जो कॉन्सेप्ट किया था वो क्या था कि ये जो माइनर आर्क होता है, ये जो माइनर आर्क होता है इसका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, है ना. ये दोनों का जो मेजर होगा वो इक्वल होगा. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया है कि ये जो हमारा आर्क है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल और ये वाला जो हमारा आर्क है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल. तो वही यूज किया अपने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से. हमको क्या पता चला कि ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. क्योंकि देखो ये दोनों आर्क्स इक्वल है, यानी कि इनका मेजर क्या है, इक्वल है. तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो सेंटर हो गए वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा. तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया. उसके बाद दो ट्राइंगल्स को हमने एस ए एस टेस्ट से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया और फिर हमने बोल दिया कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड हो जाएगा कॉन्ग्रेंट. तो वी आर डन. तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 5, बहुत ही इजी था. ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो जो थ्योरम नंबर 6 होगा ना हमारा, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. थ्योरम नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि थ्योरम नंबर 6 में क्या होने वाला है. थ्योरम नंबर 6 जो है, सबसे पहले तो वो इसका कन्वर्स है. क्या है, इसका कन्वर्स है. कन्वर्स मतलब क्या, इसका उल्टा है या वी कैन ऑल्सो से इसका अपोजिट है. इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे थ्योरम नंबर 5 में हमको गिवन में क्या दिया है कि ये दोनों आर्क्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है. और हम क्या प्रूव करते हैं कि ये दोनों जो कॉर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. और थ्योरम नंबर 6 में हमको क्या गिवन रहेगा कि जो सर्कल होता है ना उसके कॉर्ड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. ठीक है, वहां पे क्या होगा, थ्योरम नंबर 6 में क्या होगा कि एक सर्कल के अगर कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. ऐसा हमको शो करना होगा. ओके, यानी कि थ्योरम नंबर 6 में गिवन होगा कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है और हम टू प्रूव में क्या करेंगे, यानी कि क्या शो करेंगे कि जो आर्क्स होते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग में वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऐसा शो करेंगे. ओके, तो आई होप आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर करके देख सकते हो. तो चलो अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 6 करते हैं. तो चलो अभी हम लोग करते हैं थ्योरम नंबर 6. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कल है और उसमें क्या है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स है. तो इसका मतलब उस कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. ओके, बहुत ही सिंपल थ्योरम है. यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये हमारा सर्कल है विद सेंटर ओ और यहाँ पे गिवन में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स होंगे. ठीक है, यानी कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है और ये जो कॉर्ड आर एस है ये क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे. तो यहाँ पे गिवन में मैं लिख देती हूँ
कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट कॉर्ड आर एस. तो ये दोनों कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रेंट है, किसी भी सर्कल के अगर कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है. तो ये जो हमारा कॉर्ड है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क है, आर्क पी एन क्यू. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्क पी एन क्यू विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ये जो हमारा कॉर्ड आर एस है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क है, आर्क आर एन एस. तो यहाँ पे लिख देंगे इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क आर एन एस. ये हमको प्रूव करना है, समझ में आया. और गिवन में हम लोग गिवन में और एक ये लिख देंगे इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ वी हैव ये जो कॉर्ड है वो कॉन्ग्रेंट है एंड वी हैव टू प्रूव दिस आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है, तो गिवन और टू प्रूव तो समझ में आ ही गया होगा. फिगर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि थ्योरम नंबर 5 में फिगर कैसे बनाना, आप एक सर्कल बना देना, ठीक है, कहीं पे भी आप दो कॉर्ड्स बना देना, यानी कि यहाँ पे भी बना दिया तो भी चलेगा और यहाँ पे भी बना दिया तो भी चलेगा. दो कॉर्ड्स बना दिया, उसके बाद यहाँ पे आप कॉर्ड्स को नाम दे देना, ठीक है, कॉर्ड्स को नाम दे देना, यानी कि कॉर्ड्स को नाम दोगे मतलब कि यहाँ पे देखो अगर आप लोग आर्क को नाम दोगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉर्ड को भी नाम आ जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉर्ड को भी नाम मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया पी एन क्यू, ये हो गया हमारा आर्क पी एन क्यू, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉर्ड है वो हो जाएगा पी क्यू. वैसे यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे आर एन एस, आर एन एस. अभी यहाँ पे ये यह हमारा सर्कल का सेंटर है दैट इज ओ, है ना, थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पे दे देते हैं ओ. तो अभी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे यानी कि रेड आई बनाएंगे. यहाँ पे अभी हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉ सेगमेंट पी ओ क्यू ओ आर ओ एस ओ, ठीक है. तो यानी कि ये सब कंस्ट्रक्शन है. देखो फिगर जरूरी नहीं है कि जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा ही हम लोग को क्या करना है एग्जाम में बनाना है, नहीं, आप अपने मर्जी से भी बना सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे हमने क्या क्या ड्रॉ किया है बताओ. ड्रॉ सेगमेंट पी ओ, ड्रॉ सेगमेंट पी ओ, सेगमेंट क्यू ओ, सेगमेंट आर ओ एंड कौन सा, एंड सेगमेंट एस ओ. अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे ना तो ये फिगर दोनों अलग अलग दिखेंगे, देखो थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं, बट नो इशू, चलेगा, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है. ऐसा बनाना है तो ऐसा बनाओ एग्जाम में, ऐसा बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हो. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा. अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ भी यहाँ पे भी क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं, हम क्या करेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और ये जो कॉन्ग्रेंट है वो फटाक से प्रूव भी हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल आर ओ एस. ओके, आर ओ एस. तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या है, ये जो सेगमेंट पी ओ है और ये जो सेगमेंट आर ओ है ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है. सेगमेंट पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट आर ओ. एंड देन ये ट्राइंगल का जो ये वाला सेगमेंट है दैट इज क्यू ओ, और इस ट्राइंगल का जो सेगमेंट है एस ओ, ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. देखो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट एस ओ. अब ये कॉन्ग्रेंट क्यों है, आपको रीजन समझ में आ गया होगा. यस, वेरी गुड, रेड आई ऑफ द सेम सर्कल. यहाँ पे रीजन में लिखेंगे रेड आई ऑफ द सेम सर्कल, है ना. यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है, तो मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए. ये दोनों जो है वो भी क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है, इसलिए इसका मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए. ओके, एंड फाइनली थर्ड, थर्ड हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस ट्राइंगल का ये वाला जो सेगमेंट है और इस ट्राइंगल का ये वाला जो सेगमेंट है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. बाय, गिवन है ना, गिवन में है ना कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है और ये जो कॉर्ड आर एस है वो कॉन्ग्रेंट है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो सेगमेंट पी क्यू है, सेगमेंट पी क्यू है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट आर एस. रीजन में हम लोग बोलेंगे गिवन, क्या बोलेंगे, गिवन. तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल पी ओ क्यू है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल आर ओ एस. एंड रीजन, रीजन तो बहुत ही सिंपल है, बाय साइड 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 टेस्ट, है ना. तो बाय साइड 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 टेस्ट वी कैन से कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ओके, तो इससे हमको क्या मिलता है, मतलब अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल को भी हमने कॉन्ग्रेंट तो दिखा दिया, लेकिन इससे हमको क्या मिलेगा, क्या इससे हमको मिल जाएगा कि ये जो आर्क पी एम क्यू है और ये जो आर्क आर एम एस है वो कॉन्ग्रेंट है. हाँ, मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे कि रिमेनिंग पार्ट में क्या आता है कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल दैट इज एंगल पी ओ क्यू विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल दैट इज एंगल आर ओ एस, है ना, एंगल आर ओ एस। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल आर ओ एस, रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे नाउ, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे अगेन जो हमारा वो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूज करेंगे, जो थ्योरम नंबर 5 में भी हमने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे नाउ, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बट करके लिख देते हैं। बट हमारे पास क्या है कि ये जो आर्क है, देखो ये जो आर्क है दैट इज मेजर ऑफ द आर्क पी एम क्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और ये जो मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क आर एन एस जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर ओ एस, आर ओ एस। रीजन क्या होगा, रीजन में हम लोग लिखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार बता देती हूँ, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्कल के सेंटर के ऊपर अगर एक एंगल का वर्टेक्स होता है तो इसका मतलब इस एंगल को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल, बरोबर, सेंट्रल एंगल। तो ये सेंट्रल एंगल क्या करता है, ये सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, ये हो जाता है हमारा माइनर आर्क और ये जो पूरा होता है वो हो जाता है मेजर आर्क। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि ये जो माइनर आर्क होता है, ये जो माइनर आर्क होता है इसका मेजर जो होता है दैट इज इक्वल टू इट्स मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, देखो ये सर्कल है और ये हमारा सेंट्रल एंगल ही है ना, ये देखो ये जो है ये हमारा सेंट्रल एंगल ही है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है उसमें ये क्या है माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, तो ये जो माइनर आर्क का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, तो वही लिखा है। वैसे ही अगर अभी यहाँ पे देखोगे, इस केस में देखोगे तो ये भी क्या है हमारा सेंट्रल एंगल है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है इसने क्या किया, इस सर्कल को दो आर्क में डिवाइड किया होगा, ये हो गया माइनर आर्क और ये पूरा यहां से लगा के यहां तक हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, इतना डिटेल में मैं बता रही हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनना। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये जो माइनर आर्क होता है, ये जो माइनर आर्क होता है इसका मेजर होता है दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा सेंट्रल एंगल है, ये दैट इज आर ओ एस, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखो बताते हैं इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेजर ऑफ द आर्क पी एन क्यू होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क आर एन एस। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को अगर देखोगे तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, देख लो यहाँ पे मिला था ना, इक्वेशन नंबर 1 में देखो एंगल पी ओ क्यू और एंगल आर ओ एस ये क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब अगर किसी भी दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोल दिया कि ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिला, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे देखो हमको क्या मिला कि ये जो आर्क है मेजर ऑफ द आर्क पी एन क्यू इज इक्वल टू व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क आर एन एस। तो क्या हमको मिल गया जो हमको चाहिए था, नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक हमको क्या मिला है कि ये दोनों आर्क के मेजर क्या है, इक्वल है, और हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसे मत समझो कि ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे देखो हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और हमको मिला क्या है कि ये दोनों आर्क का मेजर जो है वो क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन मैं वही बोलूंगी कि दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनका मेजर क्या होता है, इक्वल होता है, और उनका रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब उनका मेजर इक्वल होता है एंड रेडियस भी क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं,
जब उनका मेजर इक्वल होता है एंड उनका रेडियस इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आर्क्स जो है इनका मेजर तो इक्वल है, इनका मेजर तो इक्वल है, हमने अभी जस्ट दिखाया, और इनका रेडियस भी इक्वल है। रेडियस कैसे इक्वल है? तो यहाँ पे देखो ये दोनों आर्क्स जो है वो सेम सर्कल के हैं, सेम सर्कल के हैं। इसका मतलब क्या? इनका जो रेडियस होगा, इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो क्या होगा? सेम ही होगा, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं अब देयरफॉर वी कैन से कि ये जो आर्क पीएमक्यू है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? आर्क आर एन एस। और रीजन अगर लिखना है तो हम बोल सकते हैं टू आर्क्स आर, एक मिनट, टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर एंड रेडियस आर इक्वल, आर इक्वल। तो यानी कि दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका मेजर और रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये दोनों आर्क का मेजर इक्वल है, ये बता दिया, और इनका रेडियस भी इक्वल है। Why? Because ये दोनों आर्क्स जो है वो सेम सर्कल के हैं, तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो सेम होगा। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स अब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और हमने ये प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको ये थ्योरम नंबर 6 समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ, छोटी छोटी बातों को समझाती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता है समझाना और आपको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, ओके। और फिर हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल के कोरोलरीज है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, और ज़रूर शेयर कर देना। थ्योरम्स वाली सीरीज हमने स्टार्ट की है, आपके फ्रेंड्स लोग को ज़रूर बता देना। एंड अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय एंड टेक केयर।